क्लियर पानी निकाल दिया भाई। भाई देखिए साहब ओके ये है भाई पानी, देखो यार एकदम क्लियर पानी है भाई, मतलब प्योरीफायर काम कर रहा है अच्छे से। पी के हम देखेंगे इसको, दोनों भाई आधा आधा पियेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे कैंट यूएफ मेम्ब्रेन वाटर प्यूरीफायर का। ठीक है, तो हम इसमें पानी डाल के दिखाएंगे कि कितना साफ करेगा। फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हमने यहीं से लिया है, लोकल शॉप से। ऑनलाइन ये मिलता है 2500 का, हमने लिया 2900 का लोकल। तो देखेंगे कितना साफ करेगा। ऊपर निकालते हैं इसको जल्दी से। ये क्या है भाई? अच्छा, ये इसका स्टैंड है शायद। बहुत हल्का है भाई ये तो। प्लास्टिक है भाई बिल्कुल सारा ये। सारा ही प्लास्टिक है क्या ये? तो सबसे पहले ये शायद बेस है इसका, फिर ये कुछ ऐसे रखा जाएगा। नहीं ऐसे पता नहीं, कुछ मेम्ब्रेन्स है, ये लास्ट है इसका। बस इसको असेंबल करना पड़ेगा अपने को, देखते हैं। मुझे लगा असेंबल्ड ही है ये, पर असेंबल करना पड़ेगा। ये कुछ फिल्टर दिख रहे हैं, पता नहीं क्या है। ये है रिमूव दिस फ्लैप एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, ये भी कोई फिल्टर है। इसको भी रखते हैं, इसको इस पे ही रखते हैं। ये शायद ऊपर का ढक्कन है, मेन ढक्कन है ये कोई फिल्टर है। इसमें फिर ये आपका नल है जहां से पानी आएगा। उसके बाद एक ये कोई मेम्ब्रेन है, यूएफ मेम्ब्रेन, मेन प्योरीफायर शायद यही है। यूएफ मेम्ब्रेन फ्लो जाएगा ऊपर से नीचे इस तरह से। ठीक है, अरे बाप रे, तो सुबह है भाई। इंजेक्शन भी दिया है भाई इन्होंने, भैंस को जो लगाते हैं इंजेक्शन, वो इंजेक्शन आया है। ये पता नहीं क्या है भाई, इतनी सारी चीज मिल तो गई लेकिन इंस्टॉल नहीं करना आता हमें। तो यूजर मैनुअल कहाँ है भाई? यूजर मैनुअल ही नहीं है। देखते हैं, यूजर मैनुअल नहीं है भाई। बेस सबसे बड़ा नीचे, फिर उसके ऊपर रख दीजिए ये बकेट। ठीक है, फिर आएगा ये ऐसे करके इस तरह से, फिर आ जाएगा यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे। इसको ऐसे ही रखिए ताकि हमारी हेमा मालिनी दिखती रहे सामने। अब ये लगाना है हमें मेन, और एक ये लगाना है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं एक्चुअली कहाँ से लगेगा ये, इसको देखते हैं कहाँ लगेगा। ये शायद इसके टॉप पे लगेगा इस तरह से। हाँ ऐसे लगेगा ये। और ये जो मेम्ब्रेन है ये लगेगी इसमें, यहाँ पे कुछ लगेगी ये, देखते हैं। फ्लो देखते हैं इसमें, फ्लो फ्लो इस तरह से आएगा ये। शायद ये इसमें लगेगी। ये जो है ये इसके नीचे लगेगा ये ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फ्लो है वो नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से इसी तरह लगेगा ये। तो हेमा मालिनी कहाँ गई? ऐसे
उसके बाद फिर आएगा अपना एक फिल्टर रह गया बस, ये इस तरह से शायद ये होगा ऐसे। ये जो फिल्टर है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, ये रिमूव हो गया। ये शायद कार्बन फिल्टर है, देखिए कार्बन भी लगा हुआ है यहाँ पे नीचे, शायद ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है ऐसे ही जाएगा ये, और फिर हमारा जो मेन ढक्कन है ये बंद कर देंगे हम इसको ऐसे करके। तो ये हमारी असेंबल कंप्लीट हो गई है इसकी, अब देखते हैं कि कितना ये साफ कर पाता है। तो पहले कचरा हटाते हैं। इसके साथ ही फिल्टर आए हैं, ये जो फिल्टर है ये इस मेम्ब्रेन में लगेंगे जो हमने अभी निकाला, जो ये है इसमें ये चेंज होगा, खुल के यहाँ से खुल जाएगा ये, और ये जो देख रहे हैं फिल्टर यहाँ पे लगेगा ये। तो इस पे डाल देते हैं इसको ऐसे, इसको बंद करते हैं। खड़ा होना ऊपर आराम से, ये तो ये फिल्टर संभाल के रखना है, और इसका जो बिल है ये भी संभाल के रखना है, और इसकी जो वारंटी है ये वारंटी कार्ड है 1 ईयर की वारंटी, ये भी संभाल के रखना है। तो इनको रख देते हैं साइड में। अभी कुछ रह तो नहीं गया, मेरे को ये नहीं पता चला कि ये इंजेक्शन क्यों दिया है यहाँ पे, ये मेरे को समझ नहीं आया। शायद फिल्टर में एक बार एक इंजेक्ट दे देना पड़ता है, जो सबसे नीचे वाला है ना। हाँ, सही है इसमें है ना। इसमें देना पड़ता है ऊपर से है ना। चलो इसमें पानी डालते हैं, इसमें थोड़ी जगह खाली करेंगे यहाँ पे, दिखा यहाँ पे जगह खाली करेंगे इसके लिए, फिर यहीं पे इसको इंस्टॉल करेंगे। थोड़ी सी जगह खाली करके फिर यहाँ पे रख के फिर पानी डाल के, पहले पानी दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरह का पानी आता है यहाँ पे, एकदम मिट्टी वाला पानी आता है, फिर देखते हैं कितना साफ ये करता है। अभी के लिए इसको रखते हैं। असेंबल इसकी इतनी ही थी, असेंबल पार्ट ये पूरा हो गया हमारा, बस इंजेक्शन थोड़ा सा देना है इसमें, फिर हमारा हो गया खत्म। बस इसको समेटते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये जो कप है इसमें डाल के दिखाएंगे आपको पानी, ठीक है, और फिर बाद में क्या रिजल्ट आता है वो दिखाते हैं। इंजेक्शन है इसमें, आप पानी भर के, तो जो ये हमने फिल्टर लगाया है ये, इसमें यहाँ से प्रेशर देंगे तो थोड़ा सा ये निकलाएगा पानी यहाँ से नीचे से, 2-3 बार प्रेशर से पानी देना है इस फिल्टर को। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे फ्लो जो है नीचे की तरफ बना हुआ है, तो ये बस इसी तरह से इंस्टॉल होता है। तो अभी इसमें पानी डालेंगे, तो ये संभाल के रखना आपको ये इंजेक्शन, वैसे बाहर से भी मिल जाएगा ये। तो अभी ये जो फिल्टर है इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बाहर से, क्योंकि यहाँ पे नीचे इसके कार्बन कुछ लगा हुआ है, काला पानी निकल रहा है। सादा से काला, इसके सारे चारकोल एक्टिवेटेड हैं। सही है। थोड़ा सा इसमें चलाते हैं पानी ताकि फिल्टर हो जाए, अब साफ निकल रहा है ना पानी। थोड़ी देर चलाते हैं, 1-2 मिनट कर दे। तो ये देखिए ये जो पानी है, एक मिनट लाइट में लेके आया इसको, तो ये इतना पीला पानी है, देखिए दिख रहा होगा पीलापन पानी में, पता नहीं इसमें कैमरे में नहीं आ रहा, पर ऐसे देख रहे हैं तो बहुत पीला नज़र आ रहा है। तो इस तरह का पानी है ये, और इसमें जब छन जाएगा पानी तब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पानी यहाँ पे साफ होके निकला है। तो इसको भर रहे हैं, खोल के यहीं पे डाल देते हैं। मेरे को समझ नहीं आया ये पानी कैसे भर रहा है यहाँ पे, क्या ये पानी कैसे आया इसमें, बीच में गैप है मतलब, यहाँ से फिर ऊपर आ रहा पानी, फिर जैसे जैसे गैप वो... कैसे है? वो तो सीधा कनेक्टेड है इस मेम्ब्रेन से। नहीं नहीं वहाँ पर आएगा थोड़ा सही, अभी तो टूटी भी नहीं पूरी हुई, वही टाइम लगेगा इसको भरने में, पूरा ये खाली हो जाएगा वहाँ तक।
है ना। सिंगल भी आप रख सकते हो, नीचे वाला हटा दीजिएगा ऊपर वाला, तो समझे? नहीं रख सकते ना। क्यों? इसको अगर हटा दीजिएगा हाँ तो डायरेक्ट पानी जाएगा, खाली एक ही फिल्टर होगा, यहाँ दो फिल्टर है ने? ये मेन कार्बन है, ये असली यही निकालेगा। वो तो कार्बन फिल्टर एक दिया है भाई। वो कार्बन नहीं है, वो फिल्टर है बस एक पन्नी। अच्छा, अच्छा। असली कार्बन इसके नीचे जो काला नहीं था, हाँ तो वो उसके अंदर है जो ये है ना। ये तो बहुत स्लो स्लो भर रहा है भाई। तो ये जो पानी है ये आप देख रहे हैं, इतना लेवल हुआ पानी का। तो ये जो लेवल पानी का है ये पूरा नीचे जाएगा, फिर हम इसमें और पानी डालेंगे। देख तो अभी हम देखेंगे कि कैसा पानी निकलेगा, ऐसा ना हो कि पहले से भी पीला पानी निकला है। देखते हैं। काफी साफ है भाई, कहाँ भाई, एक नंबर है, इसलिए मैं बोल रहा था इसको थोड़ा और बनना। सही है एकदम। भाई एकदम क्लियर पानी निकाल दिया भाई। भाई साहब ये है भाई पानी, देखो यार एकदम क्लियर पानी है भाई, मतलब प्योरीफायर काम कर रहा है अच्छे से। पी के हम देखेंगे इसको, दोनों भाई आधा आधा पियेंगे। पी के अब जाएगा थोड़ा ठीक हो गया। मीठा है भाई, मजा आ गया यार, मीठा है। अब ठीक है ना, अब लग रहा है कुछ पानी पी रहे हैं, वरना तो पता नहीं टट्टी का पानी है या टट्टी का पानी पी रहे थे या फिर मिट्टी का पानी पी रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। पेट खराब हो रहा था मेरे रूममेट का कई दिन से, तो इसलिए हम लेके आए कहीं वो मर ना जाए इसलिए लेके आए। बढ़िया बढ़िया है भाई एकदम। सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती तो इसमें फिर कनेक्शन लेके आना पड़ता पानी, ऑटोमेटिक ये सब ताम झाम करना। ये बढ़िया एकदम, पानी डालो नीचे से, ऊपर से आलू डालो, नीचे से सोना निकलेगा तो अब पिएंगे पानी हम हेमा मालिनी, मतलब कैंट आर होगा चलो तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।